चले गाइस स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। आई होप मेरी आवाज आप लोगों को प्रॉपरली आ रही है। एक बार मेरे को बता दीजिए मेरी आवाज जो है प्रॉपरली आ रही है क्या आप लोगों को, लाउड एंड क्लियर, सो दैट हम अपनी आज की क्लास जो है वो स्टार्ट कर पाए। एक बार बता दो भाई चैट में। गुड इवनिंग राधे राधे, राम राम, जय श्री श्याम, जय श्री महाकाल। चलिए स्टार्ट करें। जय श्री कृष्ण भाई, आ गए सब लोग। चलो फटाफट से पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं, कल क्या पढ़े थे, इसकी क्विक रिवीजन एक जरूरी है, ठीक है ना, फिर आगे बात करते हैं। कल हमने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखे थे, फटाफट से, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। क्या कल हमने पढ़े थे सुप्रीम कोर्ट के बारे में, हमने बोले थे हमारे यहाँ पे, हमारे इंडिया में सबसे बड़ा कोर्ट जो होता है, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो कोर्ट है वो कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट है। सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट। फिर हमने उसके अंदर एक और बात बोले थे कि जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील होता है पूरे कंट्री के अंदर सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया वो फाइनल होता है। आर्टिकल 124 के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के बारे में लिखा हुआ है। और वही अगर मैं बताऊं हाई कोर्ट के बारे में तो 214 के अंदर, 214 हाई कोर्ट, 124 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, 214 हाई कोर्ट, 124 सुप्रीम कोर्ट, ये उनके आर्टिकल नंबर थे। फिर हमने बोले थे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर टोटल मिला के 34 जजेस है, उसमें से एक जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 33 अदर जजेस है। तो जो एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनका नाम है धनंजय वाय चंद्रचूड़, तो सबसे बड़ा हमारी कंट्री के अंदर क्या है, जज है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ साहब, डीवाई चंद्रचूड़ साहब, इज सबसे बड़ा बड़े जज, ठीक है ना। फिर हमने बोले थे कि हमारी कंट्री के अंदर जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के, उनको अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं, प्रेसिडेंट साहब के पास पावर होता है उनको अपॉइंट करने का, आया ना, फटाफट से, प्रेसिडेंट साहब के पास पावर होता है। बस फर्क सिर्फ इतना तो होता है कि प्रेसिडेंट साहब जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं तो छोटे जजेस से उनको ऑप्शनल होता है, पूछना, पूछे तो पूछे, नहीं पूछे तो चलेगा, पर वो जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते तो उस समय उनके लिए ये कंपलसरी है, सॉरी जब वो अदर जजेस को अपॉइंट करते तो उनके लिए ये कंपलसरी है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछे। फिर हमने देखे थे कि हमारी कंट्री के अंदर स्टेट के अंदर सुप्रीम को पावर जो होती है वो होती है सुप्रीम जुडिशियल अथॉरिटी, वो होती है हाईकोर्ट स्टेट के अंदर, सुप्रीम जुडिशियल अथॉरिटी इन अ स्टेट हाईकोर्ट। 25 हाईकोर्ट से हमारी कंट्री के अंदर जो 214 कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बने हुए हैं, उसमें से 3 हाईकोर्ट ऐसे हैं जिनका एक से ज्यादा स्टेट के ऊपर कंट्रोल है, बॉम्बे गुवाहाटी पंजाब एंड हरियाणा, बॉम्बे गुवाहाटी पंजाब एंड हरियाणा, ठीक है ना, ये हमने देखे थे। उसमें भी एक चीफ जस्टिस होता है हाईकोर्ट का और बाकी अलग अलग जजेस होते हैं, तो हर एक हाईकोर्ट में एक चीफ जस्टिस और बाकी अदर जजेस। नंबर ऑफ जजेस हाईकोर्ट्स में डिपेंड करते हैं जनरली कितना बड़ा स्टेट है, कितनी छोटी स्टेट है उसके ऊपर, वो हमारे को याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर हमने, अगर आपको याद आ रहा होगा, वैसाखी सबको मुबारक, ठीक है, सबको वैसाखी मुबारक, ठीक है। तो उसके बाद एक और चीज आ रही थी हमारी और वो ये क्या बोलते हैं कि ट्रिब्यूनल्स मतलब क्या होता था, हमने बोले थे स्पेसिफिक पर्पस कोर्ट हमारी कंट्री में जो बनाए गए, जिसमें से हमको दो ट्रिब्यूनल्स पढ़नी थी, स्पेसिफिक पर्पस कोर्ट मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, दो हमको ट्रिब्यूनल्स उसमें से पढ़नी थी, एक एनसीएलटी और एक एनसीएलएटी। दोनों में फर्क ये है कि सबसे पहले कोई भी कंपनी से रिलेटेड केस एनसीएलटी में जाता है, क्योंकि कंपनी एक्ट 408 कंपनी एक्ट के सेक्शन 408 कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 408 के तहत बनी हुई है। किसने बनाई है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। कब बनी है, 2016 में। कितनी बेंचेस, इनिशियली 11 थी, आज की तारीख में टोटल 16 है। प्रिंसिपल बेंच कहाँ पे, दिल्ली में, न्यू दिल्ली में, बाकी अलग अलग सिटीज में है। उसमें कितने लोग होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल, सॉरी एक होता है प्रेसिडेंट एनसीएलटी में, 16 जुडिशियल मेंबर जो जजेस वगैरह होते हैं, और 9 टेक्निकल मेंबर लाइक प्रोविंसर जो कंपनी लॉ एक्सपर्ट्स है, ठीक है ना। फिर हमने बोले थे चीफ जस्टिस, उसके जो प्रेसिडेंट उनका नाम क्या है, चीफ जस्टिस रिटायर्ड रामालिंगम सुधाकर, रामालिंगम सुधाकर भाई हमारे जो सर है वो क्या है, प्रेसिडेंट है एनसीएलटी। फिर हमने बोले थे एनसीएलटी क्या है, वो सेक्शन 410 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन 410 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में वो बोली हुई है, बनी है, जो कि 2016 में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी भाई साहब, 2016 में। एनसीएलटी एलएटी कब बनाई गई थी, 2016 में, 1 जून 2016 को, दोनों 1 जून 2016 को बनाई गई थी, ये सेक्शन 410 में। इसमें कौन लोग जाते हैं, तो आप पहले एनसीएलटी में जाते हो, फिर आप एनसीएलटी में जाते हो, फिर आप सीसीएम में जाते हो, फिर आप एनसीएलटी में जाते हो, आप आईबी में, फिर एनसीएलटी, एनएफआर फिर एनसीएलटी। मतलब अगर आपको न्याय एनसीएलटी में नहीं मिलता है तो आप एनसीएलटी जाओगे उसके अगेंस्ट, फिर आप सीसीआई अगर जाते हो तो उसके अगेंस्ट में आप एनसीएलटी जाओगे, या आप इब्बी जाते हो तो उसके अगेंस्ट में आप एनसीएलटी जाओगे, एनएफआर जाते हो तो आप उसके अगेंस्ट में एनसीएलटी एलएटी जाओगे, और सबके अगेंस्ट में आप कहां जाओगे, सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में देखी थी। और सुप्रीम चीफ जस्टिस, सॉरी चेयरपर्सन ऑफ एनसीएलटी, उनका नाम है अशोक भूषण साहब, ठीक है ना, उनका नाम क्या है वाला, अशोक भूषण इज द चीफ जस्टिस, सॉरी इज द चेयरमैन ऑफ एनसीएलटी, इज व्हाट इज द चीफ जस्टिस ऑफ एनसीएलटी, क्लियर।
यहाँ तक हमने लास्ट क्लास के अंदर देखे थे, तो आई होप आपको यहाँ तक बहुत क्लैरिटी आई होंगी, यहाँ तक आपको अच्छी क्लैरिटी आई होप सो आई होंगी। चलिए नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड, और आगे बात करते हैं। अब आगे में क्या दिए हुए, आगे में कुछ कोर्ट्स के जजमेंट्स दिए हुए, मतलब कुछ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के या ट्रिब्यूनल्स के कुछ जजमेंट्स दिए हुए। वो जजमेंट्स हमको याद नहीं रखने हैं, बट सिर्फ थोड़ा बहुत उसके बारे में अगर आपको पता रहेगा, सो पेपर में एक आंधी क्वेश्चन आ गया, आने के चांसेस वैसे बहुत कम है, उसके आने के चांसेस नहीं है। कोई जजमेंट आपको पूरा का पूरा याद नहीं करना है, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा जजमेंट आपको याद नहीं करना है। एक सेकेंड जस्ट गाइस, एक सेकेंड, आपको ये पूरा का पूरा जजमेंट्स याद नहीं करना है, बस इसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, बस यही बात है और कुछ नहीं। इसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए और कुछ नहीं, क्लियर। इसके बारे में आपको कुछ ना पता होना चाहिए और कुछ नहीं, क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें। चलो सो अब बात करते हैं हमारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, एक सेकेंड आगे, जस्ट एक सेकेंड। सो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात आती है कि सबसे पहला एक कोर्ट में केस हुआ था, कोर्ट में केस हुआ था सबसे पहले, और वो हुआ था फॉर डिमोनिटाइजेशन, जो हमारी कंट्री में डिमोनिटाइजेशन हुआ था। अब जो हमारी कंट्री में डिमोनिटाइजेशन हुआ था उससे रिलेटेड एक केस हुआ था, और लोगों ने उसके रिलेटेड केस करा सुप्रीम कोर्ट में, और बोला कि यार डिमोनिटाइजेशन एक गलत चीज है, मतलब ये पावर ही नहीं था गवर्नमेंट के पास या आरबीआई के पास जो वो डिमोनिटाइजेशन करे, ठीक है ना, बोले वो लोग ऐसा कर ही नहीं सकते। तो डिमोनिटाइजेशन के अगेंस्ट में क्या हो गया, केस हो गया कोर्ट में, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात को सपोर्ट किया जो डिमोनिटाइजेशन हुआ। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में बैठी 5 जजेस की बेंच, कितने जजेस की, 5, मतलब एक ही कोर्ट के अंदर एक जज नहीं, 5-5 जज, जैसे तुम पिक्चरों में देखते होंगे, टीवी में देखते होंगे, सिर्फ एक जज बैठा है। सुप्रीम कोर्ट में एक साथ 5 जजेस की बेंच बैठी, यानी 5 जजेस वहां पे बैठे थे, और 5 के डिसीजन इंपॉर्टेंट थे। सब जजेस ने मिलकर डिसीजन लिए, और उसमें से 4 जज ने ये बात को सपोर्ट किया, सेंट्रल गवर्नमेंट को सपोर्ट किया, ये बात को सपोर्ट किया कि डिमोनिटाइजेशन करना उनका पावर था और उन्होंने जो किया उसमें कोई गलत नहीं। मतलब सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड बाय 4:1 मेजोरिटी द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन ऑफ डिमोनिटाइजेशन, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिसीजन था डिमोनिटाइजेशन का उसको सपोर्ट किया, अपहेल्ड मतलब सपोर्ट किया 4:1 की मेजोरिटी। यानी विवेक नारायण शर्मा एक आदमी है, और यूनियन ऑफ इंडिया मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनके अगेंस्ट केस हुआ। यानी विवेक नारायण शर्मा बंदा जो है उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, वो सुप्रीम कोर्ट में चले गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब इसके ऊपर डिसीजन दिया तो उसने ये बात को बोला कि नहीं, हम जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन था डिमोनिटाइजेशन का, हम उसको सपोर्ट करते हैं, और 5 में से 4 जजेस ने उसको सपोर्ट किया। इसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केस जीत गई। यानी एक्चुअली जब 5 जजेस की बेंच बैठती है ना, तो उसमें से मेजोरिटी जजेस को एक्सेप्ट करा जाता है, जैसे 5 जजेस थे तो 3 जज भी अगर गवर्नमेंट के फेवर में बोल देते 5 में से, तो गवर्नमेंट जीत जाती। यहाँ पे तो 4 जज ने बोला तो गवर्नमेंट जीत गई, सिर्फ 1 जज था जो सपोर्ट नहीं करा, बाकी 4 जजेस ने क्या करा, सपोर्ट करा। तो ये केस जो हुआ, अब यहाँ पे ये पूरी सेक्शन लिखे हुए है, केस लिखे हुए है, ये आपके लेवल के ना नॉलेज के है, क्योंकि आरबीआई एक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा, वो आप एग्जीक्यूटिव लेवल पे आप पढ़ते हो, तो आपको पूरा केस नहीं पढ़ना है, बट केस का क्रक्स क्या था, ठीक है ना, केस का क्रक्स क्या था वो आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो क्रक्स यही था कि टोटल 58 पिटीशन हुई थी, मतलब ये जो विवेक नारायण शर्मा इसका तो एक केस था, इसके अलावा और 58 केसेस आए थे कोर्ट में, कोर्ट ने सबको मना कर दिया, और कोर्ट ने ये बात को बताया कि भाई ये कोई रात को बैठे और सवेरे डिमोनिटाइजेशन कर दिए, ऐसा नहीं था बोले, इसके लिए आरबीआई और गवर्नमेंट पिछले 6 महीने से काम कर रहे थे। अब वो अलग बात है कि ये बात को बाहर नहीं आने दिया गया, बट इसके पीछे 6 महीने से ये काम किया जा रहा था। ऐसा थोड़ी ना था कि आज सवेरे मोदी जी ने फोन करे और उठा के बोल दिए कि भाई कल से नोट बंद, वो हमको ऐसा लगा, बट ऐसा नहीं था, पिछले 6 महीने से गवर्नमेंट और आरबीआई मिलके क्या कर रही थी, इसके पीछे काम कर रही थी, ठीक है ना। उसके अंदर सबको बातें पता नहीं थी, क्योंकि बाहर बात अगर निकल जाती तो फिर डिमोनिटाइजेशन का कोई फायदा ही नहीं रहता। तो गवर्नमेंट आरबीआई ने ये बात को क्या करा, अब इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस वैसे तो कम है, बट आया भी तो आपको ये पूछ सकते हैं कि विवेक नारायण शर्मा के केस में जो डिमोनिटाइजेशन के अगेंस्ट में केस हुआ था उसमें कौन जीता था, सेंट्रल गवर्नमेंट, कितने मेजोरिटी से, 4:1 की
मेजोरिटी से सेंट्रल गवर्नमेंट जीती थी, समझ में आ रही बात, सेंट्रल गवर्नमेंट उसके अंदर जीती थी। बेटा मैं पहले भी बोल चुका हूँ वैभव भाई कि मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको करवा के दूंगा, मैंने बोला है, जब मैंने बोला है, अगर जितने भी एग्जाम के दिन जो भी मैंने कमिटमेंट करे हैं, जितना भी आपको कंटेंट करंट अफेयर से रिलेटेड पूरे इंडिया में कोई और करवाता होगा उससे ज्यादा, अगर मैंने आपके एग्जाम के एक दिन पहले नहीं करवाया तो आप मेरे को फिर बोलो, सारी चीज मैं करवा के दूंगा, वन लाइनर्स, वो बहुत सारी चीजें मैं आपको दूंगा भाई, आप टेंशन मत लो। बट एक तरीका होता है पढ़ाने का जो हर बैच में पढ़ाता हूँ, ठीक है ना, तो आप वो तरीके को पढ़ाओ, पढ़ने दो, उस तरीके से पढ़ो, आपके लिए बेनिफिट होगा। सर ये डेट याद रखनी है क्या? नहीं सर, कोई डेट याद नहीं रखनी है, कहीं की भी कोई डेट याद नहीं रखनी, अनलेस एंड अंटिल जब तक मैं ना बोलूं। डीमोनेटाइजेशन की डेट बेटा 8 नवंबर 2016 थी, ये 2023 में केस चला, डिसीजन की डेट है, आपको डेट कोई भी याद नहीं रखनी है जो ब्रैकेट में दी हुई। चलिए नेक्स्ट आता है, नो इंडिविजुअल कैन बी फोर्स्ड टू रिसीव कोविड वैक्सीनेशन, एक और केस। अब गवर्नमेंट ने लोगों के लिए कोविड वैक्सीनेशन कंपलसरी कर दी, ठीक है ना, और गवर्नमेंट ने बोल दिया, ठीक है ना, और गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ने बाद में क्या बोला कि भाई अगर जो भी कोविड वैक्सीनेशन नहीं लगाएगा, ठीक है ना, उसके लिए कई जगह गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन डाल दिया, आने मना कर दिया। गवर्नमेंट ने क्या करा, एक्चुअली कोविड वैक्सीनेशन कंपलसरी कर दिया। अब कोविड वैक्सीनेशन के बाद गवर्नमेंट ने क्या करा, कि लोगों को ये बोल दिया कि तुम अगर कोविड वैक्सीनेशन नहीं लगा रहे हो, तो तुम्हारे को हर जगह एंट्री बंद कर दी, थिएटर्स में जाना बंद करवा दिया उनका, वहां पे एंट्री नहीं मिल रही थी, मेट्रो में, ट्रेन में, वहां पे उनको एंट्रीज नहीं मिल रही थी। इसके ऊपर एक जेकब करके बंदा है, जेकब करके, उसने कोर्ट में केस कर दिया, उसने कोर्ट में जाके केस कर दिया, और उसने बोला कि भाई ये जो गवर्नमेंट जबरदस्ती मेरे ऊपर थोप रही है वैक्सीन लगाना, ये बिल्कुल गलत है, बोले मेरा आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये राइट है कि कोई भी इंडिविजुअल को कंट्री के अंदर गवर्नमेंट फोर्स नहीं कर सकती, नो इंडिविजुअल कैन बी फोर्स टू बी वैक्सीनेटेड, ये आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेरा राइट है, इंटीग्रिटी राइट है मेरा, बॉडीली इंटीग्रिटी कि मेरी बॉडी है, मेरी मर्जी, मेरे को लगवाना है तो मैं लगाऊंगा, नहीं लगाना तो नहीं लगाऊंगा, तुम मेरे को फोर्स नहीं कर सकते, दैट इज माय बॉडीली इंटीग्रिटी ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बोलिए मेरा आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है और ये गवर्नमेंट मेरे को फोर्स नहीं कर सकती वैक्सीन लगाने, उसने जाके केस कर दिया कोर्ट में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कटघरे में खड़ा कर दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जेकब आमने सामने आ गए। फिर कोर्ट ने ये केस को बहुत ध्यान से सुना, इसके व्यूज समझे और फिर कोर्ट ने उसका डिसीजन दिया। कोर्ट ने डिसीजन क्या बोला, कोर्ट ने ये बात को देखा और यहाँ पे गवर्नमेंट ने अपने तरफ से कुछ बातें रखी, गवर्नमेंट ने बोले कि यार अगर ये बंदा वैक्सीन नहीं लगा रहा है तो इससे इसका अकेले का नुकसान नहीं हो रहा है, दूसरे लोगों का भी नुकसान हो रहा है। बोले अगर ये वैक्सीन नहीं लगाएगा तो इसको कोरोना हो जाएगा और इसको कोरोना होगा तो ये कोरोना दूसरे लोगों को फैलेगा, तो ये सिर्फ इससे रिलेटेड बात नहीं है, बोले कि अगर इसको कोरोना होता है तो उससे दूसरे लोगों को भी खतरा है, ठीक है ना, तो इसीलिए इसको वैक्सीन लगाना जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ इसकी बात नहीं है, दूसरे लोगों की बात है। पर वो जेकब ने ये बात को कोर्ट में प्रूफ करा कि भाई तुम वैक्सीन लगाओ या तुम वैक्सीन मत लगाओ, उससे तुम्हारे को कोरोना होना से कोई लेना देना नहीं, मतलब अगर तुम वैक्सीन लगा रहे हो और तुम वैक्सीन नहीं भी लगा रहे हो तो भी तुम दोनों केसेस में तुमको कोरोना हो सकता है, तो तुमने वैक्सीन लगा लिया तो भी तुमको कोरोना हो सकता है, तुमने वैक्सीन नहीं लगाया तो भी तुमको कोरोना हो सकता है, और जब तुमको कोरोना हो जाएगा और तुमने अगर वैक्सीन लगाई होंगी तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि वो कोरोना तुम दूसरे को ट्रांसमिट नहीं करोगे, मतलब तुम्हारे वजह से किसी और को नहीं होगा, यानी मैंने वैक्सीन लगा लिया अब मेरे को कोरोना हुआ तो ऐसा थोड़ी ना है कि वो दूसरे को नहीं होगा। तो जेकब ने ये बात को कोर्ट में प्रूफ करा कि चाहे वैक्सीनेटेड बंदा हो या अनवैक्सीनेटेड बंदा हो, इंडिविजुअल हो, दोनों इक्वली सस्पेक्टेबल है ट्रांसमिट करने के लिए वायरस को, मतलब दोनों इक्वली क्या कर सकते हैं, वायरस को ट्रांसमिट कर सकते हैं, मतलब किसी और को किसी और की बॉडी में भेज सकते हैं। तो अगर मान लो मैंने वैक्सीन लगाया, मेरे बाजू वाले ने नहीं लगाया, ठीक है, अब मान लो मेरे बाजू वाले ने वैक्सीन नहीं लगाया उसको कोरोना हुआ, मैंने वैक्सीन लगाया मेरे को भी कोरोना हुआ, तो हम दोनों इक्वली कोरोना फैला सकते हैं, ऐसा थोड़ी नहीं है कि वैक्सीन लगाने के बाद कोरोना नहीं फैलाया जाए। तो ये बात कोर्ट में जेकब ने प्रूफ करी और कोर्ट ने ये बात को माना कि यस इट इज राइट
द कोर्ट हेल्ड दैट द रिस्ट्रिक्शन ऑन अनवैक्सीनेटेड इंडिविजुअल इज नॉट प्रोपोर्शनेट। कोर्ट ने ये बात मानी कि वैक्सीनेटेड और अनवैक्सीनेटेड पीपल जो है वो इक्वली सस्पेक्टेबल है वायरस ट्रांसमिट करने के लिए, वो इक्वली वायरस क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। और उन्होंने गवर्नमेंट को ये ऑर्डर दिया कि जो तुम अपने रिलेवेंट ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन जारी करे हैं अनवैक्सीनेटेड पीपल्स के अगेंस्ट में, उसको दोबारा से रिव्यू करो, उसको दोबारा से चेक करो, और ये जो तुमने लाया है इसको बंद करो। चाहे बंदा वैक्सीन लगाए या न लगाए, तुम उसको मना नहीं कर सकते कहीं एंट्री लेने से, तुम उसको मना नहीं कर सकते। ठीक है ना, बहुत बढ़िया केस था। सर इनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, बट ठीक है, हमारा काम है पढ़ना, हम पढ़ा रहे। फिर एनसीएलटी जो है उन्होंने अप्रूवल दे दिया मर्जर का, पीवीआर और आईनॉक्स। पीवीआर मतलब जो ये अपना थिएटर है, तो आईनॉक्स पहले अलग एक थिएटर हुआ करता था, पीवीआर एक अलग था, प्रिया विलेज रोड शो, पीवीआर का फुल फॉर्म है प्रिया विलेज रोड शो। पीवीआर जो थिएटर में पिक्चर देखने जाते हैं उसका फुल फॉर्म है प्रिया विलेज रोड शो, पीवीआर। और आईनॉक्स इनका अमेलगेमेशन हो गया, अमेलगेमेशन मतलब मर्जर, मतलब दोनों अब एक हो गए। यानी कंपनी की जब शादी होती है, यानी दो कंपनी जब एक हो जाती है, उसको अमेलगेमेशन बोला जाता है, मर्जर बोला जाता है। ठीक है ना, तो एनसीएलटी ने इनके मर्जर को क्या दे दिया, अप्रूवल। अब ये दोनों एक हो गया, पीवीआर और आईनॉक्स दो अलग अलग नहीं है, दोनों एक है। समझ में आ रही बात, जैसे इंसानों की शादी होती है ऐसे कंपनी का अमेलगेमेशन, तो दोनों अलग अलग कंपनी अब एक हो गई, मर्ज हो गई। बेटा मैंने कल भी बोला था, पहले दिन से मैं बोल रहा हूँ कि जब मैं आपको डाउट बोलूंगा, कि यहाँ पे 3 से 4 बच्चे डाउट डालते रहते कंटिन्यूसली, ठीक है ना, आपको जब भी मैं बोलूंगा कि डाउट है तब आप डाउट डालना चैट में, तो मैं रिप्लाई दूंगा। ठीक है ना, ऐसे मैं कोई रिप्लाई नहीं देने वाला, क्लियर। पार्लियामेंट, अच्छा यहाँ पार्लियामेंट ने एक और बात को पास कर दिया। अच्छा चलो यहाँ तक कोई डाउट है क्या, पहले पूछ लो फिर आगे मैं चलता हूँ। यहाँ तक कोई आप लोगों को डाउट है क्या, पूछ लो फिर मैं आगे बात करता हूँ। यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट है क्या, पूछ लो फट से फिर मैं आगे बात करता हूँ। यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट है क्या, पूछ लो। बेटा डिमोनिटाइजेशन मतलब 500,000 के नोट जब बंद कर दिए थे गवर्नमेंट ने, ठीक है ना, और उसके बदले में नए नोट लाए थे ताकि गवर्नमेंट हमारी कंट्री के अंदर इलीगल चीजों को रोक सके, और खासकर जो ब्लैक मनी है उसका फ्लो कम कर सके। बेटा अगर आप प्रॉपरली एनसीएलटी का केस लिखोगे तो उसमें स्टॉक एक्सचेंज क्या लिखा है, वो ये लिखा है कि मर्जर हो गया था, और मर्जर होने के बाद दोनों ने स्टॉक एक्सचेंज के पास सेपरेट फाइलिंग जो थी, मतलब वो स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म हुआ, वो लिखा है कि दो चेंज स्टॉक एक्सचेंज में फाइलिंग हुई थी। स्टॉक एक्सचेंज में फाइलिंग होने का मतलब होता है कि जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होती है, लिस्टेड होती है, उनको स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ता है कि भाई हमारा मर्जर अप्रूवल हो गया, ये वो लिखा है। एक्चुअली में उस केस में ये लिखा हुआ है कि दोनों का मर्जर हो गया, जो एकदम आधा अधूरा पढ़ के क्वेश्चन जिसने पूछा उसके लिए बता रहा हूँ। ठीक है बेटा, जो लोग नए ज्वाइन हुए उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि भाई करंट अफेयर में कंटेंट, ये करंट अफेयर की मॉड्यूल का कंटेंट है, यहाँ पे जो कंटेंट दिया हुआ है पीछे जो क्वेश्चन दिए हुए वो अलग है, इवन जो एमसीक्यू बुक में जो क्वेश्चन है वो अलग है। अब इसका अलग अलग होने का कारण ही ये है कि इंस्टीट्यूट जो है हमारा, खासकर इंस्टीट्यूट की अगर मैं बात करूँ, तो इंस्टीट्यूट जो है वो क्वेश्चन अलग अलग देता है, ठीक है ना, तो हमारे को ये भी पढ़ना जरूरी है, और वो क्वेश्चन के करंट अफेयर भी हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, जो लोग अभी अभी नए हैं, पीवीआर अलग था, एनऑक्स अलग था, दोनों अब एक हो गए, दोनों का क्या हो गया, मर्जर। इनके मर्जर को अप्रूवल दिया गया बाय एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है उसके पास ये दोनों गए और बोले भाई हम मर्ज होना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, अमेलगेमेट होना चाहते हैं, दोनों कंपनी हम एक होना चाहते हैं, अभी तक हम अलग अलग काम कर रहे थे, अब हम एक होना चाहते हैं। तो जब दोनों एक हो गए तो एक होने को बोला जाता है अमेलगेमेट होना, तो पीवीआर और आईनॉक्स क्या हो गया, एक हो गया। ठीक है, तो आपको नाम यही याद रखना, इसमें और कुछ याद रखने लायक न्यूज, ठीक है ना, मतलब आप इसमें कुछ और याद रखने जाओगे याद नहीं रखना, इसमें और एक ही न्यूज याद रखने लायक, रिलेशन होता है बेटा, सयान करमरकर रिलेशन, नेक्सस मतलब रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट, पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया, और हमारी कंट्री में एक्चुअली क्या था, एक न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर करके एक
इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, न्यू दिल्ली आर्बिट्रेशन सेंटर, आर्बिट्रेशन मतलब सेटलमेंट सेंटर, ठीक है ना, आर्बिट्रेशन मतलब सेटलमेंट सेंटर करके हुआ करता, उसका नाम था पहले न्यू दिल्ली आर्बिट्रेशन सेंटर, न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर उसका पहले नाम था, जिसको रीनेम करके गवर्नमेंट ने उसका नाम रख दिया इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। बस इतनी न्यूज है, बस इतनी न्यूज कि पहले एक न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर सेटलमेंट सेंटर था, न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर करके हुआ करता था, अब उसका नाम चेंज करके इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर कर, बस उसका न्यू दिल्ली की जगह नाम अब इंडिया कर दिया। तो पहले उसका नाम इंटरनेशनल मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जो आर्बिट्रेशन मतलब सेटलमेंट्स होते हैं वो यहाँ पे होते हैं, तो अब उससे रिलेटेड पहले उसका न्यू दिल्ली नाम था, उसका नाम क्या कर दिया गया, इंडिया। बस आपके लिए करंट अफेयर में ये रिलेवेंट है। यस किरण एकदम परफेक्ट, ठीक है। तो न्यू दिल्ली की जगह वहां पे वर्ड इंडिया आ गया। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर रीनेम्ड है, रीनेम तो उसका नया नाम क्या रखा गया, इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, ये नया नाम। एनसीएलएटी अलाउज सेटलमेंट बिटवीन मैकडोनल्ड्स एंड फॉर्मर पार्टनर विक्रम बख्शी। देखिए एक्चुअली विक्रम बख्शी ये मैकडोनल्ड्स का पार्टनर था पहले, मैकडोनल्ड्स का इंडिया का, इंडिया में पार्टनर था विक्रम बख्शी, ठीक है ना। अब मैकडोनल्ड और उसने फिर विक्रम बख्शी ने क्या करा, मैकडोनल्ड्स छोड़ा, तो उसका केस और बेसिकली विक्रम बख्शी का जो मैकडोनल्ड्स का, इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, इनका केस गया कहाँ पे, एनसीएलएटी में, ठीक है ना। विक्रम बख्शी जो है, ठीक है ना, उसका और मैकडोनल्ड, इन दोनों का आपस में झगड़ा हुआ और इनका केस लड़ते लड़ते एनसीएलएटी गया, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। फिर वहां पे इनका केस सेटल करके सेटलमेंट हुआ इनके बीच में 195 करोड़ ड्यूज के रिलेटेड, मतलब बेसिकली उनका सेटलमेंट किसने करवा के दिया, एनसीएलएटी ने। किसका सेटलमेंट हुआ, ध्यान से सुनना, विक्रम बख्शी और मैकडोनल्ड्स इनके बीच में केस चल रहा था, इनके बीच का केस का सेटलमेंट कहाँ पे हुआ जाके, एनसीएलएटी में हुआ। हमारे को करंट अफेयर से रिलेटेड इतना याद रखना है कि विक्रम बख्शी इज अ पार्टनर ऑफ मैकडोनल्ड्स पहले, और मैकडोनल्ड्स का वो इंडिया इंडियन पार्टनर था, उसका और मैकडोनल्ड्स के बीच में कुछ झगड़ा हुआ था, वो झगड़ा गया एनसीएलएटी, और वहां पे एनसीएलएटी ने उनका सेटलमेंट करवा के दिया, ठीक है ना। उनके बीच में जो भी झगड़ा हुआ था उसके बीच में उनका सेटलमेंट उन्होंने करवा के दिया, ठीक है। देखो चार केस थे, कुछ भी नहीं था चार केस। पहला चीज थी डिमोनेटाइजेशन का केस, विक्रम नारायण शर्मा ने जीता, उसमें गवर्नमेंट ने उनमें सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट के फेवर में डिसीजन दिया 4:1 मेजोरिटी से, ठीक है ना। विवेक नारायण शर्मा के केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जीती 4:1 के मेजोरिटी से। फिर वैक्सीन के केस में जेकॉब जीता, ठीक है ना। दूसरा केस था आईनॉक्स और पीवीआर, उनका मर्जर हो गया। तीसरा इंडिया इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर पहले था, बाद में उसका नाम चेंज करके अब क्या कर दिया गया, इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। और फिर जो एनसीएलएटी है, उन्होंने अप्रूवल दिया, एनसीएलएटी ने अप्रूवल दिया, किसके लिए अप्रूवल दिया, एनसीएलएटी ने सेटलमेंट अप्रूव कर दिया किसके बीच में, विक्रम बख्शी जो पहले पार्टनर था मैकडोनल्ड्स का, तो मैकडोनल्ड्स और विक्रम बख्शी जो पार्टनर्स थे पहले एक दूसरे के, ठीक है ना, उनका सेटलमेंट अप्रूवल दे दिया किसने, एनसीएलएटी ने, सिंपल। बेटा सेटल पिटीशन मतलब एनसीएलएटी ने उनको अलाउ करा था सेटलमेंट, आप पढ़ो यहाँ पे प्रॉपरली। कुछ लोग बोल रहे पिटीशन हट गई थी या जो भी, बेटा वो पिटीशन हट गई थी बराबर है, लेकिन सेटलमेंट अलाउ करा था, मैं भी तब से वही बोल रहा हूँ कि एनसीएलएटी ने बोला कि तुम्हारे बीच का सेटलमेंट उसने अलाउ कर दिया था। अब देखो हम यहाँ पे लॉ नहीं पढ़ रहे, समझो बात, तो ये केसेस हमारे सब्जेक्ट के रिलेशन है ही नहीं, हमारे को सिर्फ करंट अफेयर को ध्यान में रखना। यहाँ पे क्या हो जाता है, स्टूडेंट्स इसको लगता है कि मैं लॉ पढ़ा रहा हूँ, मैं लॉ नहीं पढ़ा रहा हूँ, लॉ पढ़ा रहा होता तो ये केस को मैं 1 घंटे तक पढ़ाता, क्योंकि इसमें इतनी बातें उसके अंदर, मैं 1 घंटे तक एक केस पढ़ा रहा होता, लेकिन वो लॉ नहीं है। यहाँ पे हम सिर्फ लॉ से रिलेशन में जो न्यूज वगैरह आई थी वो न्यूज को हम रीड कर रहे हैं, वो न्यूज को हम पढ़ रहे हैं, जो लॉ के रिलेशन में न्यूज आई थी वो हम न्यूज को पढ़ रहे हैं, तो वी आर नॉट स्टडिंग यहाँ पे लॉ, समझ रहे बात। ठीक है चलो बेटा, रेगुलर क्लास में देखो अगर चलो चले आगे, यहां तक क्लैरिटी है, आगे बढ़े, कोई भी डाउट है यहां तक पहले पूछ लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब अदर न्यूज है क्योंकि, तो आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते।
बट एग्जाम के बाद एग्जीक्यूटिव में कुणाल बता दूंगा जरूर 100%। ठीक है, नेक्स्ट आता है ICSI। सर ये क्या है? सर हमारा खुद का इंस्टीट्यूट, हमारा खुद का इंस्टीट्यूट ICSI। ठीक है ना, ICSI हमारा खुद का इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, ICSI। क्या बोलते हैं देखो, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ICSI, ये ओनली रिकॉग्नाइज प्रोफेशनल बॉडी है पूरे इंडिया में। मतलब आपको ये मजे की बात पता होनी चाहिए कि हमारी जो ICSI है वो अकेली ऐसी बॉडी है पूरे इंडिया में जो कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशन को डेवलप एज वेल एज रेगुलेट करती है। सर रेगुलेट और डेवलप का मतलब जैसे आपके एग्जाम्स देना, आपको कंपनी सेक्रेटरी बनाना, ये ICSI का काम है। जो ICSI है ये उनका काम है आपकी आप ये ICSI जो है उनका काम है कि आपकी जो ये ICSI उनका काम है जो आप एग्जाम दे रहे हो, आपको CS जो बनाया जा रहा है ये ICSI बना रही है। तो डेवलप करने का मतलब हो गया कि हमारी कंट्री में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एग्जाम वगैरह लेना, उनको CS बनाना, ये ICSI करती है। और उसके साथ साथ वंस यू बिकम द CS, आप जब कंपनी सेक्रेटरी बन जाओगे तो आपको रेगुलेट करने का काम भी, यानी कंपनी सेक्रेटरी जो हमारी कंट्री में है उनको रेगुलेट करने का काम भी ICSI करती है। और ICSI इज द ओनली बॉडी इन इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया इज द ओनली बॉडी इन इंडिया। उसके अलावा और कोई कॉलेज और स्कूल नहीं है इसके लिए, ये ओनली बॉडी है जो कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 के थ्रू बनी हुई। मतलब ICSI जो बनाई गई है ये पार्लियामेंट ने बनाई है, हमारी कंट्री की गवर्नमेंट ने, और कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 एक कानून पहले पास किया गया, वो कानून पास करके एक्ट पास करके ये ICSI को बनाया गया। ठीक है ना, ये ICSI को बनाया गया। मतलब अगर आपको मैं मजेदार बात बताऊं तो ICSI जो एस्टेब्लिश हुआ था वो 4th ऑफ अक्टूबर 1968 को हुआ था। कब हुआ था? 4th अक्टूबर 1968 को, उस दिन पैदा हुआ था ICSI। और उसका जो एक्ट है वो 1980 है, ICSI एक्ट 1980, ये याद रखना आपको कि ICSI एक्ट 1980 है। और ICSI जब स्टैब्लिश हुआ था वो कब हुआ था? 4th अक्टूबर 1968 को, पूछ सकते पेपर। ठीक है ना, और इसको पार्लियामेंट के थ्रू बनाया गया, यानी ICSI एक्ट 1980 जो है उसके तहत ICSI बना। और ICSI एस्टेब्लिश कब हुआ था? 4th अक्टूबर 1968 को। मजेदार बात पता है क्या है कि जो हमारी कंट्री के CS होते हैं, कंपनी सेक्रेटरी, जब आप बन जाओगे तो आपको रेगुलेट करेगा ICSI, और ICSI जो होता है उनको रेगुलेट करती है हमारी कंट्री की मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स उनको रेगुलेट करती है हमारी कंट्री की मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है ना, उनको रेगुलेट करती है हमारी कंट्री की मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो CS जो बना कंपनी सेक्रेटरी उनको रेगुलेट करा ICSI ने, ICSI को रेगुलेट कर रही है MCA। तो MCA के अंडर आता है ICSI, ICSI के अंडर आती है CS। समझ में आ रही बात? इस तरीके से ये बॉडी हमारी कंट्री में क्या कर रही है, चल रही है। तो MCA इज द रेगुलेटर, जो MCA गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री है वो रेगुलेटर है ICSI। और आज की तारीख में ICSI में 70,000 से ज्यादा मेंबर्स, मतलब हमारी कंट्री में आज की तारीख में 70,000 प्लस CS है, सिर्फ 70,000, बस 70,000 के ऊपर CS है, और 2.5 लाख के 3 लाख के आसपास स्टूडेंट्स है आज की तारीख में, बस इतने ही लोग हैं। मतलब जो जो कितनी डिमांड होगी कंट्री के, बहुत डिमांड है। तो 70,000 मेंबर्स है और 2.5 लाख स्टूडेंट्स है। और ये जो ICSI है, ठीक है ना, इसका जो हेडक्वार्टर है, मतलब ICSI का जो मेन ऑफिस है, हेडक्वार्टर, वो है न्यू दिल्ली में सिचुएटेड। अभी आप न्यू दिल्ली जाओ या वहीं पे रहते होंगे तो वहां पे आपको ICSI का हेडक्वार्टर दिखेगा, हेड ऑफिस। और हेड ऑफिस तो ICSI का न्यू दिल्ली में है ही, उसके अलावा उसके 4 अलग अलग, न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, ये 4 अलग अलग जगह उसके क्या है, रीजनल ऑफिस है। 4 उसके अलग अलग रीजनल ऑफिस है, न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई। ICSI का हेडक्वार्टर जो है वो है न्यू दिल्ली में, और उसके 4 अलग अलग ऑफिस है, न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई। और उसके अलावा ICSI के 2 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है, 2 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जहां पे आप CS बनने का ट्रेनिंग लेने जा सकते हो। एक है ICSI का सेंटर फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, याद रखना इनके फुल फॉर्म। देखो ICSI का एक हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, 4 रीजनल ऑफिस, बराबर, चारों मेट्रो सिटीज में, न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, चारों मेट्रो सिटीज में। ठीक है ना, और उसके अलावा ICSI का एक सेंटर फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिसर्च एंड ट्रेनिंग भी है, CCGIT, याद रखना फुल फॉर्म। एक क्या है उसका, सेंटर फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसका, जो कि नवी मुंबई में सिचुएटेड, कहाँ पे, नवी मुंबई में, क्या, CCGIT, सेंटर फॉर
कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिसर्च एंड ट्रेनिंग CCGIT, ये कहाँ पे सिचुएटेड है? नवी मुंबई में, दैट इज बेसिकली सिचुएटेड इन नवी मुंबई। और मजे की बात है इसकी, और मजे की बात ये है इसकी, और मजे की बात ये है कि एक और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो है ICSI का सेंटर फॉर एक्सीलेंस जो हैदराबाद में, ICSI का सेंटर फॉर एक्सीलेंस जो कहाँ पे है, हैदराबाद में, यहाँ पे भी ट्रेनिंग होती है। और इनके अलावा अगर मैं बोलूँ तो टोटल 72 चैप्टर्स है इंडिया के अंदर ICSI के टोटल 72 चैप्टर्स है। हाँ, जाते हैं लोग यहाँ पे ट्रेनिंग लेने। यस, यहाँ पे चैप्टर ऑफिसर मतलब जनरली पूरे इंडिया के अंदर आप ये समझ सकते हैं कि जैसे आपको कोई भी काम पड़ता है ICSI से तो आप उसके चैप्टर ऑफिस जाके वहां से हेल्प ले सकते हो। क्लियर? यस सर। अभी अगेन यहाँ पे नाम चेंज हुए हैं 2024 के अंदर, नाम चेंज हुए हैं, ठीक है ना। अब देखो ICSI का जो हेड है उसको बोलते हैं प्रेसिडेंट ऑफ ICSI, ठीक है ना। तो ICSI का जो हेड है उसको बोलते हैं ICSI के हेड प्रेसिडेंट, ठीक है ना। तो अभी 2024 में हर साल चेंज होते हैं, ये कौन होते हैं, हर साल चेंज होते हैं। तो 2024 में ये फिर से चेंज हुए, ठीक है ना। तो अभी करंटली अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे आप लिख लो, ये पुराने वाले हैं, ये आपके काम के नहीं है, पिछले साल के हैं ये, करंट वाले ये आप लिख लो यहाँ, ये आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं कि 2024 में ICSI को हेड कर रहे हैं पूरे कंट्री के अंदर प्रेसिडेंट उनके CSB नरसिम्हन, ठीक है ना। तो CSB नरसिम्हन उनका नाम है, नरसिम्हन या नरसिम्हन उनका नाम है, ठीक है ना, जो ICSI के प्रेसिडेंट है। और ICSI के एक वाइस प्रेसिडेंट भी है उनके नीचे में, जो है धनंजय शुक्ला, धनंजय शुक्ला, ठीक है ना। तो बेसिकली इनका नाम विवरण पूछ सकते हैं, हर साल चेंज होते हैं। 2023 में अलग थे, अब 2024 में अलग है। तो अपडेट आपको ध्यान रखना है कि 2024 में CSB नरसिम्हन जो है वो प्रेसिडेंट है, नाम याद रखना पड़ेगा। CSB नरसिम्हन इज द प्रेसिडेंट एंड धनंजय शुक्ला इज द वाइस प्रेसिडेंट, CS धनंजय शुक्ला साहब इज द वाइस प्रेसिडेंट, आपको नाम अच्छे से याद रखना पड़ेगा। क्लियर? बस आपको जो जो इंपॉर्टेंट मार्क करके दिया वो याद रखना, बाकी तो कुछ नहीं। अच्छा, मजे की बात, वैसे तो अभी तक दो ही हुआ करते थे, एक CCGIT नवी मुंबई में और एक ICSI का सेंटर फॉर एक्सीलेंस हैदराबाद में। ध्यान से सुनना, ICSI का दो ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट थे अभी तक, एक CCGIT नवी मुंबई में और एक और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैदराबाद में था। लेकिन अभी रिसेंट में एक न्यूज आई, और वो रिसेंट में न्यूज आई कि न्यू सेंटर फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस और रिसर्च एंड ट्रेनिंग मतलब CCGIT जो कोलकाता में भी ओपन करा गया। तो ये कोलकाता के जो लोग थे उनको, उसके आसपास के मतलब ईस्ट साइड के जो लोग थे उनको नवी मुंबई काफी दूर पड़ता था, तो उनके लिए एक और, ईस्ट में जो लोग रहते हैं उनके लिए एक और क्या बनाया गया, CCGIT बनाया गया, जो कि बनाया गया कोलकाता में अभी रिसेंट में, उसका इनॉग्रेशन हुआ कुछ टाइम पहले, टाइम हो गया बट उसके रिसेंट में उसका इनॉग्रेशन हुआ, ठीक है ना। और बहुत ही वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ का, बहुत बढ़िया प्रीमाइसेस है, बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है जिससे इजीली और अच्छे तरीके से ट्रेनिंग दी जा सके वहाँ पे। तो CCGIT आपको याद रखना है कि कहाँ पे बना, एक और अभी कोलकाता में, कहाँ पे बना, कोलकाता में, और वहाँ पे अलग अलग स्किल और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दिए जाते हैं। इवन IIM से भी पार्टनरशिप करी हुई है गवर्नमेंट ने, और IIM वाले के टीचर्स भी वहाँ पे आके ट्रेनिंग देते हैं, तो IIM के लोग हैं वो भी वहाँ पे आके ट्रेनिंग देते हैं CS को, ताकि CS लोग आगे बढ़ सके, ठीक है ना। तो न्यू सेंटर फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिसर्च एंड ट्रेनिंग CCGIT जो है वो एक कोलकाता में एक और ओपन हुआ है रिसेंटली। क्या हुआ, एक और ओपन हुआ है कोलकाता अभी रिसेंट में हुआ है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना। फिर ICSI का नया सिलेबस आया, खैर वो तो हम अभी पढ़ ही रहे हैं, पुरानी बात हो गई है। आप लोग जो पढ़ रहे हो न्यू सिलेबस, ये 2023 में ICSI का सिलेबस चेंज हुआ है और वो नया सिलेबस आया, ठीक है ना। जो हम लोग पढ़ रहे हो पूरा नया सिलेबस, मतलब जो आप ईटी में पढ़ रही है फुल न्यू सिलेबस है, मतलब लास्ट दो एग्जाम या तीन एग्जाम पहले तक कुछ और सिलेबस हुआ करता था, अभी चेंज हो गया। तो ये तो खैर मतलब पुरानी न्यूज़ भी बोल सकते हैं कि 2023 में हुआ था ये, उसके बाद से वो सिलेबस 5 साल तक अब सेम रहेगा, उसके बाद बीच में अगर चाहे तो इंस्टीट्यूट चेंज कर सकते हैं, बट जनरली सेम रहता है, ठीक है। तो ICSI ने न्यू सिलेबस क्या किया, लॉन्च करा IIM बेटा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, IIM, इंडियन IIM इज नथिंग बट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है ना। अच्छा, मजे की बात पता है क्या आपको, एक और है कि ICSI जैसे आप कंपनी सेक्रेटरी बन जाते हो, और कई बार लोगों को मन में डाउट आता है ना कि हम फॉरेन में जाके काम कर सकते हैं क्या,
हम जो सीएस की पढ़ाई यहाँ पे कर रहे हैं उसका, हम फॉरेन में अगर जाके रहते हैं तो हमारा वहाँ पे, हमको वहाँ पे कौन है टेक केयर करेगा, या वहाँ पे हम जाके काम कर सकते हैं क्या? तो मैं आपको बता दूँ, आईसीएसआई के ऑलरेडी, आईसीएसआई के ऑलरेडी 6 सेंटर से, जो इंटरनेशनल सेंटर से, मतलब आईसीएसआई का सेंटर, आईसीएसआई ऑस्ट्रेलिया में भी है, उसका सेंटर है सिंगापुर में भी है, यूएई में भी है, यूएसए में भी है, यूके में भी है। यानी मजे की बात यह है कि आईसीएसआई जो है वो ऑस्ट्रेलिया में भी है। अगर कोई बंदा सीएस है और ऑस्ट्रेलिया में जाके काम कर रहा है तो उसको कोई भी अगर इश्यूज जाते हैं तो आईसीएसआई का सेंटर है वहां पे, सिंगापुर में भी है, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स मतलब अपना दुबई वाला सऊदी पूरा, और यूएसए वहां पे भी है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूके, यूनाइटेड किंगडम वहां पे भी है। और उसने अभी रिसेंट में एक और सेंटर ओपन करा, 6th सेंटर, न्यू आईसीएसआई ओवरसीज सेंटर, अभी 6th सेंटर एक और ओपन करा आईसीएसआई ने, और वो उसने ओपन करा कनाडा में, अभी रिसेंट में ओपन करा। मतलब अभी एट प्रेजेंट आप देखोगे तो टोटल 6 इंटरनेशनल सेंटर्स हो चुके हैं, 6 इंटरनेशनल सेंटर, वन जो ऑस्ट्रेलिया में है, अनादर इज सिंगापुर, यूएई, यूएसए, यूके, एंड न्यूली जो पेपर में पूछ सकते हैं कि आईसीएसए ने 6 इंटरनेशनल ओवरसीज सेंटर अभी रिसेंट में कहाँ पे ओपन करा है, तो दैट इज इन कनाडा, अभी वो कनाडा में ओपन हुआ है, अभी रिसेंट में, ठीक है ना, अभी वो कनाडा में ओपन हुआ है रिसेंट में। पेपर में आपको कनाडा वाला इशू पूछ सकते हैं, क्योंकि देखो ये सब न्यूज़ है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ये सब न्यूज़ है, तो न्यूज़ के बारे में तो करंट अफेयर न्यूज़ के लिए पढ़ रहा हूँ, क्या के लिए पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब ये एक आईसीएसए का इंटरनेशनल अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, डिस्प्यूट मतलब प्रॉब्लम झगड़े, एडीआर, अल्टरनेट डिस्प्यूट और इंटरनेशनल अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मतलब जो भी डिस्प्यूट होते हैं, प्रॉब्लम्स होती है, उनको सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक आईसीएसआई का एडीआर बना के रखा है। आईसीएसआई का एडीआर मतलब अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर, ठीक है ना, जहाँ पे उनके डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करके दिया जाएगा, जनरली काम का पेपर में नहीं आता, क्लियर। देखो आईसीएसआई में क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, पहला क्वेश्चन पूछ सकते हैं आईसीएसआई कब बना था, इधर कब बना था, 4th ऑफ अक्टूबर 1968 को आईसीएसआई बना था। दूसरा क्वेश्चन, आईसीएसआई का एक्ट कब का है, 1980 का है। तीसरा, आईसीएसआई को रेगुलेट कौन करता है, एमसीए। सीएस को रेगुलेट कौन करता है, आईसीएसआई। आईसीएसआई को रेगुलेट कौन करता है, एमसीए। पांचवा क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये पूछ सकते हैं कि आईसीएसआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली। आईसीएसआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यू दिल्ली, ठीक है ना। फिर छठवा क्वेश्चन आपको इसमें से पूछ सकते हैं, सीसीजीआईटी कहाँ पे, नवी मुंबई, एंड न्यूली अभी ओपन हुआ है कोलकाता में, सीसीजीआईटी सेंटर फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सेंटर फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है ना। और दूसरा, आईसीएसआई का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पे, हैदराबाद में, ये पूछ सकते हैं। फिर पूछ सकते हैं कि आईसीएसआई के करंट प्रेसिडेंट कौन है, सी एस बी नरसिम्हन, और वाइस प्रेसिडेंट कौन है, धनंजय शुक्ला साहब। वाइस प्रेसिडेंट कौन है उसके, धनंजय शुक्ला साहब, ठीक है ना। तो ये पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं इससे। उसके अलावा क्वेश्चन आ सकता है कि आईसीएसआई का न्यूली ओपन सेंटर कहाँ पे ओपन हुआ है, कनाडा में। तो ये 8 से 10 क्वेश्चन में से चांसेस है आईसीएसआई के बारे में पूछने के, अगर आता है तो ये 10 में से कोई क्वेश्चन एक आपको पूछा जाएगा, ठीक है ना, अगर आपको पेपर में आता है तो, अदरवाइज तो फिर नहीं आता तो अलग बात है, बट अगर आता है तो आपको पूछा जा सकता है, क्लियर। अब देखो इसके पीछे में न्यूज है, इसके बारे में मैं, वैसे तो मैं चाहूँ तो अभी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं जानबूझ के इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि न्यूज है, छोटी छोटी न्यूज है, सब न्यूज अलग अलग, मतलब अभी ये जानबूझ के मैं चैप्टर कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि उसके अंदर न्यूजेस है, और जो न्यूज वगैरह है वो आपको मैं एक तरीके से पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ताकि आपको वो याद हो जाए, ठीक है ना। तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, छोटा सा पार्ट मैं रोक रहा हूँ जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगा, और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर भी नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, चालू कर देंगे, ठीक है ना बेटा। दो है निधि, निधि एक नहीं है, तीन है, दो है सीसीजीआईटी बेटा, इतने सारे लोग मतलब जो सीएस बनते हैं वही लोग, ठीक है ना। और ट्रेनिंग मतलब जब सीएस आप बनते हो उसके बाद आपको जाना पड़ता है ट्रेनिंग लेने, वो भी आपको इच्छा है तो, कोई जबरदस्ती नहीं रहती है, बट कुछ कुछ इसमें कंपल्शन होता है, जा सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा लगा तो आज की क्लास लाइक और शेयर करना, थोड़ा जल्दी छोड़ रहे, बट नेक्स्ट क्लास में उसको हम कवर करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अगर टॉपिक अभी चालू करूंगा तो याद नहीं रहेगा, क्योंकि एकदम दिमाग में बैठेंगे नहीं आखिरी में। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।